गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी से किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम्, वासुदेवः सर्वम्, सब कुछ वासुदेव में है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाइयों और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाए। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। मुझे खुशी है कि आज ये पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। और ये पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य पर बिकती हैं, घर घर पहुंचाई जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बौद्धिक तृप्ति दी होगी। समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूं जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से बिना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, गीता प्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है बल्कि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है।
देश भर में इसकी 20 शाखाएं हैं। देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीता प्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। 15 अलग अलग भाषाओं में यहां से करीब 1600 प्रकाशन होते हैं। गीता प्रेस अलग अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुंचाती है। गीता प्रेस एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रतिनिधित्व देती है। साथियों, गीता प्रेस ने अपने 100 वर्षों की यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है।